किशोर न्याय परिषद मुख्य न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने बिहार शरीफ के बालगृह में रह रहे गरीब यतीम बच्चों के बीच मिठाई बांटकर दिवाली की खुशियां मनाई। गरीब यतीम बच्चे उन्हें अपने पास देख काफी खुश नजर आए। जज मानवेंद्र मिश्र हर पर्व त्योहार में, यहां तक कि वे अपना जन्मदिन भी बालगृह के बच्चों के साथ ही मनाते हैं। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को मिठाई देते हुए कहा कि बच्चे सचमुच में कलयुग के कर्ण हैं। महाभारत के कर्ण को तो कुंती ने अपना पुत्र मान लिया था, मगर इस गृह में रह रहे बच्चों को शायद ही माँ बाप का प्यार मिल सके, इसलिए उनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए वे यहाँ पर आते हैं। उन्होंने शहरवासियों से भी खुशी के मौके पर यहाँ आकर खुशियाँ मनाने की अपील की। इस मौके पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी शैलेश कुमार के अलावा कई लोग मौजूद थे। मेरा शुरू से यह मानना रहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण का बहुत बड़ा और समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। आयु सदैव जो है वो मानसिकता को प्रभावित नहीं कर सकती है। जैसा समाज होगा वैसे बच्चे होंगे, जैसा खेत होगा वैसा फसल होगा। लेकिन खेत जहाँ अगर बंजर है, उर्वरा शक्ति उसमें डाल करके उसको उपजाऊ बना करके जिस तरह से हम फसल अच्छा उपजा लेते हैं, उसी तरह से हमको खुद को समाज को ऐसा बनाना होगा कि बच्चे हमारे जो है इसमें से निकले तो वो समाज के लिए वट वृक्ष के रूप में वो विकसित हो सके। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ बाल गृह में ये ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं है, कहीं ये झाड़ी में फेंक दिए गए मिले हैं, कहीं हॉस्पिटल के गेट पे मिले हैं, कहीं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में मिले हैं। तो हम जो शुरू में इतिहास बताया आपको कि एक ऐसे बच्चे, महाभारत में कर्ण की चर्चा आती है लेकिन मृत्यु के पश्चात कुंती उसकी सामने आ जाती है कि मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन इनका भविष्य अधर में है कि इनको ऐसी कुंती सामने आएगी भी या नहीं भी आएगी। तो हम ऐसे बच्चों को राज्य सरकार के भरोसे केवल नहीं छोड़ सकते हैं। राज्य सरकार भले इनके लालन पालन के लिए पैसे दे रही है, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, आत्मबल, इनका मानसिक विकास के लिए हमें समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा और इनके विकास के लिए हमें सहयोग करना होगा, इनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करनी होगी, तभी जाकर ये बच्चे जो है ये विकास इनका सही रूप से मानसिक शारीरिक हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसआरएस न्यूज़, नालंदा, बिहार।